बुधवार शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसके साथ ही भारत मून के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो ने ट्वीट किया था कि चंद्रयान 3 मिशन का संदेश, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और भारत भी। चंद्रयान 3 सफल रहा। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश को बधाई। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि भारत चंद्रमा पर है। इसके बाद से ही इसरो चंद्रयान 3 पर जरूरी घटनाक्रमों की सूचना सोशल मीडिया एक्स पर देता रहा है। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले इसरो ने चंद्रयान 3 पर अपना हालिया जारी ट्वीट डिलीट कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को देखें तो इसमें लिखा था कि इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हाई उच्च रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा ली गई चंद्रयान 3 लैंडर की तस्वीरें जारी की थी। इसके साथ ही चंद्रयान 2 का शरारत भरा मैसेज भी था कि आई स्पाई यू। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि फिलहाल इसरो ने चंद्रयान 3 पर अपना हालिया जारी ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। इस ट्वीट को डिलीट करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि चंद्रयान की लैंडिंग के बाद अब लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर अपने काम में जुट गए हैं। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चांद के साउथ पोल की तस्वीरें साझा की। इन फोटोज में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है। वहीं लैंडर की चांद पर उतरने के बाद उसके साथ की परछाई भी दिखाई थी। इन तस्वीरों से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशी मीडिया में भी तहलका मच गया। ये पहली बार था कि चांद के दक्षिणी हिस्से को देखा गया हो। अभी ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर ही रही थी कि अब चांद से एक नया वीडियो भी आ गया है। जी हाँ, इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का अब वीडियो भी जारी कर दिया है। ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा था और इसरो ने ट्वीट कर इसे साझा किया। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। 2:17 के इस वीडियो में चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा, पास पहुंचते ही वहां गड्ढे नजर आए। आपको बता दें कि चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब 0.5 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।